अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सब सही होंगे, उम्मीद करती हूँ। और आज मैं आपको लाइस ख़त्म करने का मतलब तेल बनाना सिखाती हूँ। मतलब सर में आजकल के सीज़न में बरसात की वजह से बच्चों के सर में बहुत जुएं होती हैं और छोटे छोटे से उनके एग्स भी हो जाते हैं जो ख़त्म नहीं होते, बालों में से नज़र आ रहे होते हैं। फिर वो उनके एग्स फूट जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे सी जो धके जो होती हैं वो भी बहुत काटती हैं बच्चों को, जिस वजह से सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं बच्चे। तो मैं आपको एक तेल बनाना सिखाती हूँ जो आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों के सर की जुएं और एग्स वगैरह सब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे 4-5 दफ़ा लगाने से इंशाल्लाह। ये जो बीज हैं, ये एक फ्रूट होता है, उसके बीज हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब ये बीज जो है मैंने सब फ्रूट से निकाल लिए थे और इसे मैंने धोकर ड्राई कर इसको मैंने 3-4 दिन ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद अब मैं इसे देखें आप, अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी, इसका पाउडर बना लूंगी मिक्सी में डालकर। पाउडर बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो है ये मस्टर्ड ऑयल है, ये देखें, ये खालिस मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, ये खालिस है। ये देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी कितना लाइट है, ये बिल्कुल खालिस है, ये निकला हुआ है बीज से। अब देखें मैंने ये जो थे बीज, इन्हें ग्राइंड कर लिया। ये देखेंगे इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर के शेप में आ गए, ये पाउडर हो गया बिल्कुल इसका, ठीक है। अब मैं जो तेल है उसे मैं थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा तेल जो है वो गरम कर लेना है। जब तेल जो है ऑयल गरम हो जाए अच्छी तरह से, तेल गरम हो जाए मेरा, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा सा गर्म हो अभी डाला, अभी 1 मिनट ये गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें ये जो पाउडर है वो ऐड करूँगी। गरम हो गया है तेल जो है वो, तकरीबन गरम हो, जितना मुझे चाहिए उतना गरम हो गया है। अब मैं इसे चूल्हा जो है वो फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें ऐड करेंगे ये 1-2, ये जो है ये तकरीबन 4 जो है ये जो है ये जो एक फ्रूट होता है शरीफा, उसको कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं, शुगर एप्पल भी बोलते हैं, ये उसके बीज हैं। मैंने 4 शरीफे लेकर उनके बीजों को अच्छे तरह धोकर फिर उसे ड्राई किया 3-4 दिन, बहुत मतलब मॉइस्ट होते हैं तो इसे जब तक हम ड्राई नहीं करेंगे तो सही तरह पीसते नहीं है ये। पहले मैं 4 दिन इसे ड्राई कर लिया है रोज धूप में रख के, हवा में रख कर, फिर उसके बाद जो है अब मैंने इसका पाउडर बना के अब यूज़ कर रही हूँ। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखेंगे इसे हम छोड़ देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे बॉटल में बंद करके 3-4 दिन तक इसे हम रखेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तकरीबन 3-4 दिन तक हम इसे रखे रहने देंगे, फिर उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे 4-5 दिन बाद, ठीक है। फिर अब देखें तेल जो है मेरा ठंडा हो गया है, तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है मेरा, देखें इसकी जो इस पर झाग आ गई थी वो सब ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब आपको इसको स्टोर करना है, ये कांच की बोतल होना ज़रूरी है, कांच की बोतल में स्टोर कीजिएगा, कांच की बोतल है। हमने इसको इसमें डालकर सब जो है
हो गया। और ये देखें इसकी अब इसे हम स्टोर करेंगे 3 से 4 दिन तक स्टोर करेंगे, इसको रखे रहने देंगे, यूजिंग करेंगे। फिर उसके बाद 5वें दिन इसे बालों में लगाएंगे जड़ों के अंदर। तो मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि किस तरह लगाएंगे। अभी आप इसे 5 दिन तक स्टोर कर दीजिएगा, फिर उसके बाद इसे लगाइएगा। और अगर इसमें तेल ख़त्म हो जाए इसी इसमें थोड़ा सा तेल गर्म करिएगा। गर्म करने के बाद जो है आप थोड़ा सा गर्म करने के बाद ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद इसमें ऐड करते जाइएगा इसी के अंदर, इसी पाउडर के अंदर डालते रहिएगा, इसे फिल करते रहिएगा, यूज़ करते रहिएगा। इंशाल्लाह हर बार आप लगाएंगे और आपके बच्चे के सर में से लाइस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ तक कि उनके एग्स जो होते हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे और बिल्कुल सर साफ़ हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे दुआ ही देंगे आप। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।